हर शनिवार श्रीदेव की पूजा आप करते होंगे, उनके नाम पर शायद कुछ दान भी करते हो, उन्हें तेल का अर्पण किया जाता है, लेकिन क्या कभी उनकी पत्नियों की पूजा की है आपने? अगर नहीं तो चलिए आज हमारे साथ गुजरात के नर्मदा, जहां शनिदेव की दो पत्नियों की पूजा होती है। एक मंदिर ऐसा नीलांजन समाभासम पुत्रम, जहां विराजते हैं शनि, छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, जहां दर्शन होते हैं शनि की दोनों पत्नियों के, जहां नहीं होती भैया की चिंता, रविपुत्रम यमाग्रजम, जहां कट जाती है साढ़े साती, तम नमामि शनैश्चरम। यह है नर्मदा का कुंभेश्वर मंदिर। इस धाम पर मिलता है हारों को सहारा, दुख की धूप में चलते भक्तों के मन को मिलती है सुख की छांव, थके कदमों को मिल जाता है शनि दरबार में ठहराव, गर्व से लहराती है ऊंची पताका, सुनाती है न्याय के देवता शनि की महिमा का गान। नर्मदा के किनारे पर बने इस शनि मंदिर में जब भक्त आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, याद रहता है तो बस इतना कि शनि रख दें उनके सिर पर अपना हाथ और अपने प्रकोप से उन्हें दिला दें छुटकारा। ये शनि मंदिर इसलिए भी खास है कि यहाँ पर भक्तों को उनकी पनौतियों से छुटकारा मिल जाता है। छोटी पनौती जिसे ढैया और बड़ी पनौती जिसे साढ़े साथी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ भक्त इन पनौतियों के साथ आते हैं और कपड़े की तरह उतार कर चले जाते हैं। ये पनौतियाँ कोई और नहीं बल्कि शनिदेव की पत्नियाँ हैं। शनिदेव और इन पनौतियों की कुंभेश्वर पहुँचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार शनिदेव का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। गुस्से से परेशान शनि अपने गुरु बृहस्पति के पास उससे निजात पाने के लिए पहुँचे। गुरु ने सलाह दी कि वो नर्मदा नदी के किनारे कुंभेश्वर नाम की जगह है, वहाँ जाए और तप करें, तभी उन्हें शांति मिलेगी। कहते हैं कि शनि ने यहाँ 5000 साल तक तप किया, तब जाकर शनिदेव का गुस्सा शांत हुआ। कहते हैं कि शनि के साथ क्रोध शांति के लिए दोनों पनौतियाँ भी कुंभेश्वर आई थी, और यही वजह है कि इस मंदिर में शनिदेव अपनी दोनों पनौतियों यानी पतियों के साथ विराजते हैं। भक्तों को पहले शनिदेव और फिर उनकी दोनों पत्नियों की पूजा करनी होती है, तभी उन्हें शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यहाँ साढ़ा साथी की बनौती और 2.5 साल की बनौती होती है, जिसको भी वो यहाँ काला कपड़ा भाई काली तिल जो भी चढ़ाते हो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, और यहाँ शनिदेव का मंदिर भी बड़ा है। कहते हैं शनि की पनौती राजा को रंग तक बना देती है और इसकी काट बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों का ये दुख पल भर में दूर हो जाता है। पनौती उतारने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं शनि जयंती के दिन सबसे पहले यहाँ भक्तों को शनि और दोनों पनौतियों की पूजा करनी होती है। इसके बाद शनिदेव को चढ़ाया जाता है लोहे की कील, कटोरा और चिमटा। पूजा पूरी होने के बाद भक्त यहाँ मंदिर के दरवाजे पर अपने जूते चप्पल छोड़ जाते हैं। कहते हैं जूते चप्पलों को कोई नहीं पहनता, क्योंकि ये मान्यता है कि इन्हें जो भी पहनेगा वो शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित हो जाएगा। इस मंदिर की महिमा कुछ इस कदर है कि यहाँ देश के कोने कोने से भक्त रोते हुए आते हैं और खुश होकर जाते हैं। नर्मदा किनारे बसे इस मंदिर से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटा। शनि के क्रोध से थर थर कांपने वाले भक्तों को यहाँ उनका अनोखा रूप देखने को मिलता है। इस रूप में वो भक्तों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन पर बरसाते हैं ढेर सारे कृपा और आशीर्वाद। नरेंद्र पेपर वाला, नर्मदा आज तक। पत्नियों के दर्शन और पूजा का विधान तो आपने जान लिया, अब बारी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां हनुमान के चरणों में विराजते हैं शनिदेव, जहां बजरंग बली की पूजा से मिलता है शनिदेव का वरदान। क्या है पूरी कहानी, आइए देखें। ओम राम
यहाँ पराजित है शनि, यहाँ चरणों में है शनि, यहाँ पश्चाताप की अग्नि में जल रही है शनि, यहाँ शांत है गुस्सैल शनि। जरा गौर से देखिए हनुमान जी की प्रतिमा को, बड़ी खास है पवन पुत्र की सैकड़ों साल पुरानी ये प्रतिमा। सफल बनाएगा हर संकट से मुक्ति पाकर जीवन सफल बनाएगा। ओम ताम प्रीम प्रोम कर शनिश्चराय नमः। खास इसलिए क्योंकि इनके चरणों में है सबसे क्रूर और गुस्सैल देव शनिदेव। यहाँ दिखता है अहंकार के अंत का वो दृश्य जो भक्तों के मन पर अमित छाप छोड़ देता है। शनिदेव के गुस्से से इंसान तो इंसान, देवता भी कांपते हैं, लेकिन इस मंदिर में तो खुद शनिदेव पश्चाताप की अग्नि में जलते दिख रहे हैं। तन प्रतिपाला चारि भुजा तनुषा। ये मूर्ति उस घटना की याद दिलाती है जब हनुमान जी का शनि से युद्ध हुआ था और बजरंगबली ने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट कर उनका घमंड चूर चूर कर दिया था। कहते हैं तभी शनि ने ये वायदा भी किया था कि वो हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे और जो भी संकट मोचन की आराधना करेगा उसे शनि के कष्टों से खुद ब खुद मुक्ति मिल जाएगी। कितना ये है? और शनि की बहुत बड़ी महिमा है, देवता नायक किन्नर गंधर्व और मनुष्य सभी में शनि रहते हैं और हनुमान जी की जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर शनि पीड़ा नहीं होती। हनुमान और शनि का ये अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा के किनारे बना है। यहाँ शनि की प्रतिमा तो अनोखी है ही, हनुमान जी की प्रतिमा की भी कई खूबियां हैं जो भक्तों को भाव विभोर कर देती हैं। कहते हैं ये मूर्ति जैसे जैसे पुरानी हो रही है बजरंगबली के शरीर के बालों का आकार भी बढ़ता जा रहा है। नर्मदा के तट पर हनुमानगढ़ी इलाके के प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाढ़ श्रद्धा है। दूर दूर से आने वाले भक्त कष्टों से मुक्ति की गुहार लगाते हैं और झोली में भर भर कर खुशियाँ ले आते हैं। चाहे नेता हो या अभिनेता, अफसर हो या व्यापारी, सभी को इस मंदिर में कुछ न कुछ मिला है। तभी तो यहाँ हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हमारे जीवन में भगवान का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है कि ये बजरंग स्वामी की कृपा से मेरा भी इलेक्शन था। इतनी कठिनाइयां थी कि शुरू दिन से लेकर आखिरी टाइम तक, आखिरी पल तक मैं मात्र 2 वोटों से जीता हूँ। इतनी झंझट मची थी, ये सब बजरंग की कृपा से संभव हो पाया। जय जय श्री शनि। हनुमान मंदिर में जल रही अखंड ज्योत भी भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ एक तरफ आरती की गूंज सुनाई देती है तो दूसरी ओर रामायण का पाठ भी होता रहता है। जो भक्त एक बार यहाँ आता है वो हनुमान ही नहीं श्री राम और शनि का आशीर्वाद भी ले जाता है। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। छिंदवाड़ा में तो शनिदेव का एक बिल्कुल निराला रूप देखने को मिलता है। शनि की वक्री दृष्टि से खौफ खाने वाले यहाँ मिलाते हैं शनिदेव से आंख। जी हाँ, यहाँ शनि की आंखों में आंखें डालकर मांगी जाती है मुराद और कही जाती है फरियाद। ऐसा करने से शनि भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जय जय है शनि राज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय जय है शनि राज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। मत करिए शनि से जय जयकार, मिलाकर शनि देव से आज मांग लीजिए कोई भी वरदान, शनि बरसाएंगे कृपा अपार।
शनि की दृष्टि को इतना वक्री माना जाता है कि उनसे नजरें तक मिलाने की मनाही है। कहते हैं शनि देव की आंखों में देखने भर से दुखों से घिर सकता है जीवन, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम, अनिष्ट दस्तक देने लगता है। लेकिन शनि देव के इस मंदिर में आकर भक्तों का ये डर छूमंतर हो जाता है। शनि के क्रोध से थर थर कांपने वाले भक्तों को यहाँ दिखते हैं ऐसे शनि, जिनसे वो आंखें चुरा कर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर करते हैं दर्शन। चिंदवाड़ा के तहसील में बने इस शनि मंदिर में भक्त शनिदेव से आंख मिलाकर ही मांगते हैं उनसे आशीर्वाद। खुली छत के नीचे विराजते हैं शनिदेव, शिला और प्रतिमा दोनों रूपों में दर्शन। करो शनिदेव की जय जयकार, करो शनिदेव की जय जयकार। यहाँ खुले आसमान के नीचे विराजते हैं शनिदेव, भगवान को स्वयं भी माना जाता है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ शनिदेव की ये शिला स्वयं प्रकट हुई। जय जय लोगों की बढ़ती आस्था के कारण बाद में यहाँ शनिदेव की प्रतिमा का निर्माण कराया गया। यहाँ प्रत्येक शनिवार प्रातः 5 बजे से भक्तों का रात्रि 12 बजे तक ताता लगा रहता है। भक्तजन यहाँ किसी भी प्रकार की पीड़ा, चाहे वो शनि की 7.5 हो, ढैया हो, किसी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार के कष्ट को लेकर आते हैं और भगवान के इन पावन प्रसिद्ध दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके ही वापस जाते हैं। जितना चमत्कारी शनिदेव का ये मंदिर है उतना ही अनोखा यहाँ मन्नत मांगने का तरीका भी। कोई घुटनों के बल आकर मन्नत मांगता है तो कोई लेट कर आता है। इतना ही नहीं, भक्त यहाँ सरसों के तेल से भरी बाल्टी में अपना चेहरा देखकर अपने कष्ट हरने की करते हैं प्रार्थना। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, यहाँ शनिदेव करते हैं न्याय। कोई यहाँ अच्छे करियर के लिए मन्नत मांगता है तो कोई अपनी सुनी बोध करने की फरियाद लेकर आता है। मेरा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन है और मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में टॉप करूँ, इसलिए मैं अभी भी यहाँ पर आती हूँ। कोई घुटनों के बल खिसकता है तो कोई एक पैर से चलकर भगवान की परिक्रमा करते हैं। सभी की सभी प्रकार की आदियाँ व्याधियाँ रोग व्याधियाँ नष्ट हो जाया करते हैं। यहाँ चढ़ा हुआ तेल बात आदि रोगों से किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित लोग ले जाते हैं। शहर में एक खास बात यह है कि जिस तेल से शनिदेव का अभिषेक किया जाता है वो भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कहते हैं त्वचा संबंधी किसी भी बीमारी से ये तेल छुटकारा दिला सकता है। शनि की आराधना वैसे तो भक्तों के जीवन में हर तरह की बाधाओं को दूर कर देती है, लेकिन ढैया और 7.5 से पीड़ित जातकों को विशेष रूप से फायदा होता है। महेश चांडक, छिंदवाड़ा, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र नारायण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं यश प्राप्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है आप बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत कार्य करते हैं लेकिन यश नहीं मिलता, नाम ठीक नहीं मिलता, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका यश भी मिले, नाम अच्छा मिले, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र बताता हूं फिर इसकी विधि निवेदन करूंगा। मंत्र है, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के समय के बीच को संध्या समय कहते हैं, शाम के समय बैठ जाएं, उत्तर को मुख करके बहुत शांत भाव से 7 दिन तक लगातार, प्रत्येक दिन 7 दिन तक 3 बार इसका जप करें, उच्चारण करें बहुत शांत भाव से, तो आप देखेंगे आपका जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में यश भी आपको मिलेगा, अच्छा नाम भी मिलेगा। मैं एक मंत्र बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस मंत्र का बहुत शांत भाव से उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आपको यश मिले। और मित्रों अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों आज की जिज्ञासा है कि कुलदेव पूजा क्यों करते हैं। प्रत्येक पूजा में आप देखें कुलदेव की, जो कुल की देवता है उनकी पूजा करते हैं। कुलदेव का मतलब होता है इष्ट देव, जो अपने एक देवता है, जैसे जिस कुल से, जिस परिवार से हम, जहां से मुख्य स्थान से आते हैं, जहां से भी हम आते हैं वहां एक कुल के देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है,
कुलदेव पूजा से हमारी आस्था श्रद्धा बढ़ती है और हमारे काम बहुत सरल हो जाते हैं। इसलिए आपके जो कुलदेव हो, अगर नाम न ज्ञात हो तो कुलदेवाय नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ऐसा कहकर कुलदेवता को प्रणाम करें। कुलदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई होते हैं या और भी कोई हो सकते हैं, तो कुलदेव को प्रणाम करने से हमारे कार्य पूरे हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और पूजा पूरी होती है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, कुलदेव को, अपने कुल के देवता को अवश्य प्रणाम करें। उससे बड़ों को भी संतोष मिलता है कि हम कुलदेवता को याद रखते हैं, अपने मूल वस्तु को, मूल स्थान को याद रखते हैं। ऐसा करिए और आपके कुलदेवता प्रसन्न हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आज इतना ही। प्रणाम।